अस्सलामु अलैकुम। मैं मोहम्मद अज़हर हुसैन मोहम्मद हुसैन एकेडमी की जानिब से आप तमाम का आज की रियाज़ी की क्लास में इस्तकबाल करता हूँ। आज का मेरा सबक 10th क्लास के टॉपिक सेट्स से है। दोस्तों, आज हम सेट्स के तहत चंद अहम सवालात सीखेंगे जो अक्सर एग्ज़ाम में आ चुके हैं। आज हम सेट्स के तहत वेन डायग्राम, जिसे आयलर डायग्राम भी कहा जाता है, के बारे में मालूमात हासिल करेंगे और मेरे इस सबक को आप ज़रूर पेपर पेन लेकर नोट करें ताकि आप एग्ज़ाम में आसानी से सवालात के जवाब दे सकें और इन सवालात को आप ज़रूर ज़रूर मश्क करें, प्रैक्टिस करें और ये मेरे वीडियो को आप मुकम्मल तौर पर देखें ताकि तमाम सवालात आसानी से समझ में आएँ। तो चलिए, ये बहुत ही अहम सवालात है, 10th क्लास के अक्सर एग्ज़ाम में आ चुके हैं और आज हम वेन डायग्राम पहले किसे कहते हैं इसके बारे में मालूम करते हैं। वेन डायग्राम, जिसे आयलर डायग्राम, वेन आयलर डायग्राम सेट्स के दरमियान रिश्तों को जाहिर करने का एक तरीक़ा है। ये अशकाल मुस्ततील और बंद मुनहनियों पर मुश्तमिल होते हैं। उमूमन आफाकी सेट को मुस्ततील से जाहिर करते हैं। वेन आयलर डायग्राम सेट्स के दरमियान रिश्तों के जाहिर करने का एक तरीक़ा है। ये अशकाल मुस्ततील यानी रेक्टेंगल और बंद मुनहनियों पर मुश्तमिल होते हैं। उमूमन आफाकी सेट यानी यूनिवर्सल सेट को मुस्ततील यानी रेक्टेंगल से जाहिर करते हैं। तो चलिए, अब हम ये वेन डायग्राम किस तरह से होते हैं एक मिसाल के ज़रिए यहाँ पर समझते हैं। मान लीजिए एक आफाकी सेट म्यू इस तरह से दिया गया है, 1, 2, 3, 4, 10 तक एक आफाकी सेट दिया गया है जो तमाम सेट से बड़ा होता है। आफाकी सेट जिसको यूनिवर्सल सेट कहा जाता है और जिसके तहत सेट यानी सबसेट जो दिया गया है वो ए सेट 2, 4, 6, 8, 10 दिया गया है। इसको वेन डायग्राम से किस तरह से बताते हैं अब हम देखेंगे। एक यूनिवर्सल सेट और उसके तहत ए सेट को अब हम एक वेन डायग्राम के ज़रिए समझते हैं। यहाँ पर इस तरीके से ये एक यूनिवर्सल सेट है जिसको एक मुस्ततील के ज़रिए यहाँ पर बताया गया है। एक मुस्ततील है यानी रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के ज़रिए हमने यूनिवर्सल सेट को अब जाहिर कर रहे हैं इसमें। अब यूनिवर्सल सेट में मौजूद अरकान को यहाँ पर यानी जो अराकीन सेट में मौजूद अरकान हैं इनको यहाँ पर हम दर्ज करते हैं। इस तरह से ये यूनिवर्सल सेट की अलामतें म्यू और उसके बाद हम इसमें यहाँ पर ये तमाम अरकान को यहाँ पर लिखते हैं। 1, 5 इस तरह से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये तमाम आदात यूनिवर्सल सेट के लिखे गए हैं। अब इस यूनिवर्सल सेट के अंदर हम आप तहत सेट को बताएंगे। जो ये तहत सेट यहाँ पर दिया गया है ए मसावी 2, 4, 6, 8, 10 अब हम इसको इस मुस्ततील के अंदर तहत सेट को बताएंगे 2, 4, 6, 8, 10। अब ये तहत सेट यानी इसका नाम ए है। इस तरीके से ये तहत सेट को एक यहाँ पर मुनहनी के ज़रिए यानी एक दायरे के ज़रिए बताया गया है, वो एक तहत सेट और जिसका नाम ए है। तो एक यूनिवर्सल सेट के अंदर आफाकी सेट के अंदर हमने एक तहत सेट ए को जाहिर किया है 2, 4, 6, 8, 10 इस तरह से एक यूनिवर्सल सेट के अंदर एक तहत सेट को वेन डायग्राम के ज़रिए अगर सवाल आए कि बताइए तब इस तरह से हमको एक मुस्ततील के अंदर यूनिवर्सल सेट लेना होगा और उसके अंदर तहत सेट में मौजूद अरकान जो इसके तहत ही होते हैं और इसमें मौजूद होते हैं अरकान यानी यूनिवर्सल सेट में मौजूद अरकान ही ए सेट में होते हैं और इस तरह से हमने उसको एक वेन डायग्राम के ज़रिए मुस्ततील के अंदर एक मुनहनी को बताया है। तो चलिए दोस्तों, आगे और तमाम सवाल देख चलिए अब हम और एक मिसाल के ज़रिए तहत सेट यानी सबसेट को समझते हैं। यहाँ पर इस तरीके से ये सवाल है दोस्तों। यहाँ पर एक आफाकी सेट है, ये आफाकी सेट है जिसमें अरकान दिए गए हैं 1, 2 यहाँ पर भी 10 तक अरकान दिए गए हैं और जिसके तहत सेट 2 तहत सेट बताए गए हैं। यहाँ पर 2, 4, 6, 8, 10 एक है और एक 4, 6 है यानी तहत सेट आफाकी सेट से छोटे होते हैं और इसमें मौजूद अरकान भी इन सेट्स में मौजूद होते हैं, इसीलिए ये तहत सेट कहलाते हैं और तहत सेट को सबसेट भी कहते हैं। चलिए अब हम इनको वेन डायग्राम के ज़रिए बताते हैं। ये आफाकी सेट को यहाँ पर मुस्ततील के ज़रिए बताया गया है और इसमें अब हम तमाम अरकान को लिखते हैं और इसको यहाँ पर म्यू से ज़ाहिर किया गया है। अब इसके मौजूद अरकान 2 इस तरह से 1, 2, 3, 4, 5, 6 पूरे 10 तक मौजूद अरकान हैं, हमने यहाँ पर इसको ज़ाहिर किया है इस तरह से।
ये तमाम अरकान यहाँ लिखे गए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अरकान ये यूनिवर्सल सेट यानी आफाकी सेट में लिखे गए हैं। अब उसके तहत जो ए सेट है 2, 4, 6, 8, 10 हम अब उसको बताते हैं हम इस तरीके से। ये यहाँ पर ए सेट है जिसके तहत जो यूनिवर्सल सेट के तहत है जिसका नाम हमने ए सेट रखा है और इसमें मौजूद अरकान 2, 4, 6, 8, 10 है। यहाँ पर जिस तरह से सवाल में दिया गया था 2, 4, 6, 8, 10 यहाँ पर भी हमने 2, 4, 6, 8, 10 ए तह सेट के अंदर इसके अंदर बताया है। अब फिर इस ए सेट के तहत बी सेट मौजूद है तो अब उसको हम फिर ए सेट के अंदर बताना होगा इस तरह से। ए सेट के अंदर हमको बताना होगा ये 4 और 6 जो ए सेट के तहत है। इस तरह से यूनिवर्सल सेट के तहत ए सेट है और ए सेट के तहत बी सेट है। इस तरह से हमने एक डायग्राम के अंदर 3 अशकाल को बताया है, 1 है मुस्ततील और 2 मुनहनियाँ यहाँ पर मौजूद हैं। इस तरह से ए तहत है बी के और ए और बी दोनों तहत है म्यू के यानी आफाकी सेट के। इस तरह से हमको एग्ज़ाम में अगर सवाल इस तरह है कि एक आफाकी सेट दिया जाए और ए और बी सेट इसके तहत बताए जाएँ तब इस तरह से हमको बताना होगा। चलिए और आगे सवाल हल करते हैं। अब इस सवाल इस तरह है कि अगर ए सेट दिया गया है जिसमें स्मॉल ए बी सी डी दिए गए हैं, स्मॉल ए बी सी डी, और इसी तरह से बी सेट दिया गया है जिसमें सी डी ई एफ दिया गया है, यानी ए में मौजूद अरकान ए बी सी डी है तो बी में भी बी सेट पे मौजूद अरकान सी डी ई एफ यानी सी और डी दोनों में कामन है, तब हम इन सेट को वीन डायग्राम से किस तरह जाहिर करते हैं अब देखेंगे। यहाँ पर एक यहाँ पर हमने पहले आफाकी सेट लिया है और उसके तहत अब हम आफाकी सेट के अंदर अब दो सेट को यहाँ पर बताएंगे। आफाकी सेट जिसको म्यू से जाहिर किया जाता है और यहाँ पर ये ए सेट आ चुका है और ए सेट में मौजूद अरकान ए बी सी डी आ चुके हैं इस तरीके से, ये ए सेट है। अब हम बी सेट को भी यहाँ पर मुनहनी के ज़रिए बताते हैं, एक दायरे के ज़रिए। ये बी सेट है और बी सेट में मौजूद अरकान देखिए इस तरीके से ई एफ सी डी ई एफ इस तरीके से यहाँ पर ए और बी सेट आ गए हैं और यहाँ पर ये यूनिवर्सल सेट है और ए सेट में मौजूद ए बी सी डी है और बी सेट में मौजूद अरकान भी सी डी ई एफ है, यानी ये सी और डी ये कामन है दोनों के लिए, ये मुश्तरिका है दोनों के लिए, इसलिए इन्हें दरमियान में लिखा गया है यहाँ पर सी और डी को। इस तरह से कामन अरकान को हम इस तरह से वीन अशकाल के ज़रिए, वेन डायग्राम के ज़रिए या आयलर डायग्राम के ज़रिए बताते हैं और इसके अंदर एक मुस्ततील का इस्तेमाल होता है और यहाँ पर मुनहनियों का भी इस्तेमाल।